Hello students, in this video we'll see how to create PowerPoint presentation. तो हमने सबसे पहले Microsoft PowerPoint स्टार्ट किया है. उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड. PowerPoint क्या होता है, PowerPoint में हम अपनी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं. PowerPoint एक प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस का है ये एप्लीकेशन सूट. और इसमें हम क्या करते हैं, हम स्लाइड्स बनाते हैं. स्लाइड क्या होती है, एक पेज टाइप का होता है, इट इज़ लाइक अ पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन. और इसमें हम कोई भी कंटेंट हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं. अभी हमें बनानी है ई कॉमर्स पे, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन, और वो हमें बनानी है 5 स्लाइड्स की. तो हम पहले 5 स्लाइड्स इंसर्ट करा लेते हैं. एक स्लाइड हमारी हो गई. दूसरी स्लाइड के लिए हम कहाँ जाएंगे, देखो होम पे हमें मिल रहा है न्यू स्लाइड का ऑप्शन. ओके, जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे हमें नई स्लाइड मिलती जाएगी. ओके, तो 5 स्लाइड्स हमें मिल गई हैं यहाँ पे. हमने यहाँ पे 5 स्लाइड्स अपनी बना दी है. अब हम देखते हैं इसमें कंटेंट कैसे डालते हैं. सबसे पहली स्लाइड जो हमारी नॉर्मली होती है वो होती है टाइटल स्लाइड. और इस टाइटल स्लाइड में दो बॉक्सेस हमें मिलते हैं, पहला होता है टाइटल का, दूसरा होता है सब टाइटल का. नॉर्मली हम सब टाइटल में ये लिखते हैं कि किसने बनाई है, ठीक है. तो इसमें नॉर्मली वी राइट द नेम ऑफ द पर्सन जिसने ये स्लाइड बनाई है. फिर नेक्स्ट स्लाइड जो होती है हमारी वो होती है कंटेंट स्लाइड. कंटेंट स्लाइड में हम क्या करते हैं, कंटेंट स्लाइड में हम अपना कंटेंट डालते हैं. अभी जैसे हमें ई कॉमर्स पे डालना है तो हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं. जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. डेफिनेशन में जो भी आप कंटेंट डालना चाहें जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर आप यहाँ पे कोई इस स्लाइड में अगर आप कोई चार्ट वगैरह बताना चाहते हैं या कोई टेबल डलवाना चाहते हैं, तो देखो टेबल अगर हम डलवाना चाहते हैं तो हम टेबल भी अपनी स्लाइड में डलवा सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं कोई चार्ट, तो हम यहाँ जाके कोई भी किसी भी टाइप का चार्ट जो हम डलवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं. ओके, और अगर हम अपनी स्लाइड में कुछ स्मार्ट आर्ट डलाना चाहें, जैसे हमें कोई साइकिल वगैरह कुछ शो करनी है, उसके लिए हम यहाँ से इंसर्ट पे जाके स्मार्ट आर्ट भी ले सकते हैं. जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्लाइड में. ओके, अब ये तो था हमारा नॉर्मल स्लाइड की बात कि हम स्लाइड्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं. अगर हम अपनी स्लाइड का अपियरेंस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डिज़ाइन पर जाएंगे. डिज़ाइन पे जाके हम यहाँ से डिफरेंट एरो पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो मिलते जाते हैं ऑप्शंस ऑफ थीम्स. तो आप जो भी चाहें उनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. देखो मैं जिसके ऊपर माउस लेके जा रही हूँ वैसी ही हमारी स्लाइड्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है. तो विच एवर स्लाइड डिज़ाइन यू वॉन्ट, यू कैन सेलेक्ट द थीम फ्रॉम दिस डिज़ाइन टैब. डिज़ाइन टैब से जाके हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं. होम टैब पे जाके हम नई स्लाइड डलवा सकते हैं. और इंसर्ट पे जाके हम चार्ट्स, क्लिप आर्ट, शेप्स और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डला सकते हैं, ठीक है. तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, स्लाइड्स इंसर्ट करानी है आपको यहाँ पे 5 स्लाइड. ई कॉमर्स के ऊपर आपको कुछ कंटेंट डालना है इन स्लाइड्स में. तरीका कैसे है, दिस आई टोल्ड यू. हाउ डू वी हैव टू डू इट, दिस आई टोल्ड यू. सो प्लीज़ मेक दिस स्लाइड, मेक दिस प्रेजेंटेशन ऑफ 5 स्लाइड्स यूजिंग द मेथड शोन टू यू हियर. ओके, थैंक यू.